पूरे देश के अंदर सपा बसपा रालोद का गठबंधन इतना खूबसूरत नजर आ रहा है कि पांचवें चरण के चुनाव के अंदर भी चाहे वो पत्रकार हो चाहे नेता हो अभिनेता हो सबको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष ने ये कहकर दिल्ली के अंदर और भर दिया रंग गठबंधन के अंदर। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में 2 सीटों पर आपको और बाकी पर बीएसपी को समर्थन करेगा सपा। दिल्ली में बहुजन समाज के जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं 5 सीटों पर कैंडिडेट लड़ रहे हैं और पांचों ही मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और उत्तरी पूर्वी लोकसभा के अंदर राजपीर ने तो बताते हैं कि मनोज तिवारी और शीला दीक्षित तक की जमानत जब्त कराने का प्रबंध कर लिया है। वहीं सपा ने समर्थन करते हुए और इस बात के अंदर रंग भर दिए कि दिल्ली के अंदर कर रहे हैं गठबंधन। सपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आरएस यादव ने एक बयान में कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार दिल्ली सपा कार्यकर्ता बसपा उम्मीदवारों के लिए काम करेगी। यादव ने कहा कि हम नई दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली आरक्षित सीटों पर आप उम्मीदवार का भी समर्थन करेंगे क्योंकि बसपा ने वहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बसपा ने पूर्वी दिल्ली से संजय गहलोत, उत्तर पूर्वी दिल्ली से राजवीर सिंह, पश्चिमी दिल्ली से सीता शरण, चांदनी चौक से शाहिद अली और दक्षिणी दिल्ली से सिद्धांत गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि वह सभी विभागों में दिल्ली सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। पार्टी की दिल्ली इकाई ने कहा कि वह मंगलवार को रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के सिलसिले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपके बीच बातचीत कुछ दिनों पहले तक चल रही थी लेकिन वह यह बात और ये समीकरण देखते हुए लगता है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे नेता बीजेपी और कांग्रेस को हो सकती है इस मजबूत गठबंधन से परेशानी और हार का सामना कर सकती है बीजेपी कांग्रेस कई सीटों पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।